अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एवरीथिंग इंग्लिश चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज एक दफ़ा फिर आपके साथ तीन से चार नए मालूमात शेयर करूंगा, जिसमें दोस्तों आज एक वजारत अमल ने ऐलान भी किया है, गैर मुल्कियों के लिए एक किस्म का बुरा खबर भी है। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं वजारत अमल की आज की खबर से। दोस्तों आज सऊदी वजारत अमल ने ऐलान किया तौतीन के सिलसिले में, सऊदाजहर के सिलसिले में, उसमें दोस्तों जो इंजीनियरिंग शोबा हंदसा है उसमें 25% सऊदाजहर का ऐलान किया, जिससे दोस्तों गैर मुल्कियों के 6 महीने मुतासिर हो गए और ये कानून उन मुसस्सों पर लागू होगा जिसमें 5 तक गैर मुल्की काम कर रहे या उससे ज्यादा हो। ये नया सऊदाइजेशन दोस्तों शुरू होगा 21/7/2024 से, यानी 21 जुलाई 2024 से, जिससे दोस्तों बहुत से गैर मुल्की मुतासिर हो गए। महीने दोस्तों जो बताया गया है वजारत अमल की तरफ से जो कि 25% में जो आ रहे हैं, उसमें दोस्तों पहला महीना जो है वो मंदस मदनी यानी सिविल इंजीनियर, दूसरा है मंदस तस्मीम दाहिली डिजाइन इंजीनियर, तीसरा है मंदस तहतीत मदन यानी मनसूबा बंदी सिटी प्लानिंग इंजीनियर, चौथा है मंदस मेमारी बिल्डिंग का इंजीनियर, मंदस मकैनिकी मैकेनिकल इंजीनियर और आखिर में मंदस मसाहा सर्वेयर इंजीनियर। ये 6 महीने है दोस्तों, ये 21 जुलाई के बाद इस सऊदाइजेशन के मुतासिर हो गए। इसमें जितने भी गैर मुल्की उसके 25% जो है वो काम से पारे हो गए और उसकी जगह सऊदी मुवतनीन संभालेंगे। दोस्तों आज सऊदी जवाजात ने एक दफ़ा फिर खर्ज वलम नियत के मुतालिक बताया है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरब से छुट्टी गया है तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है कि वो 3 साल इंतज़ार करे जब उसका काम एक्सपायर हो, तो वो जब चाहे नए वीजे पर नई कफील के पास पुरानी कफील के पास आ सकता है। दोस्तों ये तो जवाजात ने वजाहत किया, लेकिन इसके नीचे जो कमेंट थे उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जितने भी कमेंट किए थे सऊदी मुअतनी ने सब इससे नाखुश है, क्योंकि पहले दोस्तों ये होता था कि आप अगर किसी दूसरी जगह में काम बात करते थे काम के लिए कपिल को कंपनी को पता चल जाता तो वो आपको खुरूज निहाई नहीं देता था, नकल के पाला, और छुट्टी जाने में आपको कोई फायदा नहीं था क्योंकि आप दोबारा 3 साल नहीं आ सकते थे। तो अब दोस्तों बदमाशी किस्म का खत्म हुआ है, ये भी एक वजह हो सकता है। दूसरा, अगर आप लोग कमेंट देखे तो इससे सऊदी मुअतनीन नाखुश है, जो लोग भी सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वीजे का बंदोबस्त करे और सऊदी अरब आ जाए, कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों मुंतका मदीना मनावरा की मुहाफिजा महद में स्पीड कैमरा उकाड़ने वाला सऊदी मुवातन गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दोस्तों कैमरा उकाड़ा, उस पर उसका खुद वीडियो बनाया और उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। ख्याल है दोस्तों कल एक पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हुआ है मदीना मनावरा के मुंतके में, जिसने इसी तरह कैमरे को नुकसान पहुंचाया था।